आ चुकी है। इसके लिए मैं आप तमाम बरयात्री एवं सरयात्री निवेदन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। बिहार के सुपौल जिला प्रतापगंज थाना क्षेत्र के गोविंदपुर में शुक्रवार की रात एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की गई। इस दौरान गोली लगने से दुल्हन जख्मी हो गई। गोली लगते ही दुल्हन स्टेज पर ही गिर पड़ी। आनन फानन में लोगों ने उसे निजी क्लिनिक में भर्ती कराया। यहाँ से प्राथमिकी उपचार के बाद उसे सहरसा रेफर कर दिया गया, जहां उसका निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा है। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि बारात पहुंचने के बाद वरमाला होना था। बारात आने के बाद लड़की पक्ष के लोगों ने पहले बारातियों का स्वागत किया। इसके बाद वरमाला के लिए दुल्हा दुल्हन को स्टेज पर लाया गया। इस दौरान स्टेज के सामने से ही किसी ने हर्ष फायरिंग की, जिससे सीधे गोली जाकर दुल्हन के पैर में लग गई। आनन फानन में दुल्हन को चिकित्सक के पास ले जाया गया, उसके बाद उसकी जान बचाई जा सकी। बताया जाता है कि पुलिस को घटना की सूचना नहीं दी गई है, जिसकी वजह से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रतापगंज के गोविंदपुर में सुपौल के किशनपुर खाप गांव से वर पक्ष दिलीप यादव की बारात आई थी। गोली लगने से जख्मी हुई दुल्हन का वीडियो सामने आने के बाद इस मामले में प्रतापगंज थाना के अध्यक्ष प्रभाकर भारती ने बताया कि अभी तक किसी भी पक्ष ने इस मामले में आवेदन प्राप्त नहीं दिया है। वीडियो फुटेज है, उसके आधार पर ही जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जीवन नैया को स्वीकार करेंगे और वह घड़ी आ चुकी है। इसके लिए मैं आप तमाम बरयात्री एवं सरयात्री निवेदन करूंगा। इतना चुप ये मारना है। हाँ, इतना के आदमी पढ़ लेते हैं, इतना के आदमी पढ़ लेते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ स्टॉप इंडिया के साथ। नमस्कार।